हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल मिनिया भगवंत सिंह पे। सो फ्रेंड्स, आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 बज रहे हैं और देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह मैं रेडी होकर कहाँ जा रही हूँ। मैं ही नहीं, मेरे हस्बैंड भी रेडी हुए हैं। जैसे कि पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने आप लोग को बताया है या नहीं है। खैर, मैं अभी बता देती हूँ आप लोग को कि मेरे हस्बैंड PhD की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम है कल 12 तारीख को मेरठ में। तो आज 11 तारीख, हम आज ही निकल रहे हैं क्योंकि आज शाम तक हम पहुंचेंगे। तो वहाँ स्टे करेंगे रात को और नेक्स्ट मॉर्निंग हम एग्ज़ाम देंगे। तो मैं नहा धो के पूजा पाठ कर रेडी हो चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं। तो सब थोड़ी देर में हम निकलेंगे, तो आप ब्लॉग पर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हम लोग सुबह सुबह पी रहे हैं दूध। यहाँ से हमारा हस्बैंड देखिए हो गया है, ये देखिए सचिन को। ये देखिए, मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हैं गुमथल स्टेशन पे। कहाँ जा रहे हैं हम? जाएंगे इस ट्रेन से, जाएंगे मेरा वो मेरठ। अरे टिकट तो गजरोला का है, मतलब हम बस चेंज करेंगे, गजरोला से बस पकड़ेंगे। तो यहाँ से हमारी ट्रेन है, अभी तक तो कितने बजे? 8 बजे की समथिंग आएगी। 8 बजे आएगी हमारी ट्रेन जो हमें गजरोला। हम बैठे हैं गुमथल स्टेशन पे। हाँ, गुमथल स्टेशन पर बैठे हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं और हम जाएंगे गजरोला। वहाँ से हम बाई बस जाएंगे मेरठ, और हमारा इनका एग्ज़ाम है कल। तो आप ब्लॉग पे बने रहिएगा। वैसे यहाँ क्लैरिटी अच्छी आ रही है। ये देखिए हमारे स्टेशन के पीछे फुलवारी है। फ्रेंड्स, हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और अभी हम लोग निकल चुके हैं। वैसे ट्रेन में बहुत पहले ही चढ़ गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई। और ये देखिए तो अभी हम लोग सफर कर रहे हैं। मैं आपको बैक कैमरा दिखाती हूँ। मुरादाबाद जंक्शन क्रॉस किया गया हम लोगों ने, मतलब क्रॉस कर रहे हैं। दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। ये देखिए हमारे साहब को आराम से सफ़र का मज़ा ले रहे हैं। और ये देखिए हमारा सफ़र कैसे कट रहा है। ये देखिए रास्ता, और ये देखिए आज का मौसम। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। ट्रेन जो है अभी बहुत एकदम खाली है। ये देखिए दूर दूर तक खाली खाली लगेगा, एकदम खाली है, कोई नहीं है। क्योंकि मुरादाबाद से ट्रेन जो है, ये पैसेंजर ट्रेन है, ये खाली हो जाती है। ये पैसेंजर ट्रेन है ना, हाँ, तो खाली हो जाती है। फ्रेंड्स, अब हम बस में बैठे हैं और यहाँ बस में बैठ के हम जा रहे हैं मेरठ। मैं आपको बैक कैमरे से नज़ारा दिखाती हूँ बस से। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है गर्मी की वजह से। अभी देखते हैं रहने का, अभी हम रहने का कहीं देखते हैं कुछ जुगाड़, क्योंकि आज तो हमें यहाँ स्टे करना होगा। कल 9 बजे से इनका पेपर है ना। तो आप ब्लॉग पे बने रहिए। अब हम यहाँ पहले जूस पियेंगे। ये देखिएगा हाय फ्रेंड्स, तो हम फाइनली रूम में आ चुके हैं और स्टे कर चुके हैं यहाँ पर। ये एक जैन जैन धर्म की धर्मशाला है, यहाँ पर रूम मिलते हैं। तो
तो हम इसी रूम में रुके हुए हैं। और ये देखिए रूम का लोकेशन क्या है मैडम, मैं आराम फरमा रही हैं, पड़े बिस्तर का आराम से, फ़ोन में बिजी है और हम यहाँ बैठे हैं, अभी आराम करते हैं और बाकी कुछ देर बाद घूमने जाएंगे शाम को मार्केट में, तो आपको दिखाएंगे कुछ नया हुआ था, इसके लिए ब्लॉग कंटिन्यू रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम अभी बाहर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, कुछ देर आराम कर लिया, अब हम सोच रहे हैं थोड़ा बाहर घूम के आएँ, कुछ खा पी के आएँ, थोड़ा मौसम भी ठंडा हो चुका है, तो इसके लिए मैडम रेडी हो रही हैं बाहर जाने के लिए। हाँ, अब मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ वो आप लोगों को पता पड़ ही रहा है, ब्लॉग तो कंटिन्यू रहिए, आगे देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा बाहर निकल चुके हैं शाम के वक्त घूमने के लिए, ये भी है। मैं आपको ना बैक कैमरा दिखाती हूँ, वैसे शाम के टाइम पे सही दिखता नहीं, आपको दिखाते हैं बैक कैमरा। ये यहाँ का मार्केट वगैरह है, देख लीजिए, ये ऐसा कुछ शाम का नज़ारा है, सर हस्बैंड यहाँ से चले जा रहे हैं, देखिए हम लोग बस वॉक करते हुए, ऐसा मानिए कि इवनिंग वॉक कर रहे हैं, वॉक करते हुए सब कुछ घूम घाम रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मॉल्स ये सब देख रहे हैं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे आ गए वॉक पे। ये देखिए फ्रेंड्स, घूम घामने के बाद ये देखिए हम लोग खाना खाने आ गए हैं, और ये हमारी थाली लग चुकी है, यहाँ से हस्बैंड देखिए खाना खा रहे हैं, ये उनकी थाली है, और आउटसाइड का नज़ारा कुछ ऐसा है, ये देखिए बस खाना खा लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग कमरे में आ चुके हैं, अभी रात के 9 बज गए हैं, हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, खाना वाना खा के निपट चुके हैं, हम सोएंगे। देखिए हस्बैंड जब हस्बैंड गए हैं अभी बाथरूम में, तो ये ब्लॉग को यहीं पहन सकते हैं, कल सुबह फिर हमें निकलना होगा एग्ज़ाम सेंटर के लिए, तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करके फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमें अपना ख्याल रखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी, बाय बाय।